अरे भाभी, पता तो तब चलेगा ना जब कोई बताएगा। पता चलेगा, मैं अभी बताती हूँ उन्हें। आकाश, ये क्या कर रहा था तू मेरी वाइफ के साथ? आकाश, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तू सोच रहा है। अरे मुकेश, तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे आकाश, वो तो मैं बस यहाँ अपने रिश्तेदार के यहाँ आया था। तू बता, तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे भाई, मैं यहाँ पे रहता हूँ, मेरा यहीं तो ट्रांसफर हुआ था। और वैसे ये सब बातें छोड़, तुझे मैंने अपनी शादी में बुलाया था, तू मेरी शादी में भी नहीं आया था। यार क्या है ना कि जब तेरी शादी थी तो माँ उस टाइम बहुत बीमार पड़ गई थी, इसलिए वही बिजी था। सॉरी यार। चल कोई नहीं, तू मेरी शादी में नहीं आया, तू अपनी माँ का इलाज करवा रहा था। माँ तो ठीक है ना? हाँ हाँ, अब ठीक है माँ। अच्छा चल, आ घर चलते हैं, बैठ के चाय वाय पीते हैं, और तुझे मैं अपनी वाइफ से भी मिलवा देता हूँ। अच्छा चल ठीक है, चलते हैं फिर। हाँ ठीक है चल। अरे आ गए आप? हाँ मैं आ गया। निहारिका, तुम इससे मिलो, ये मेरा दोस्त है, बचपन का दोस्त। जब हम इतने इतने से थे ना, तब से हम साथ में हैं, और ये आज पहली बार हमारे घर आया है। अरे मैं तो ये बताना भूल गया, ये मेरी वाइफ। हेलो भाभी। हेलो हेलो। अरे अब तुम दोनों खड़े खड़े हाय हेलो ही करते रहोगे, या तुम कुछ बना के भी लेके आओगे? अरे नहीं नहीं, आप लोग बैठिए, मैं अभी कुछ बना के लाती हूँ। हाँ ठीक है, तुम जल्दी से कुछ बना के लेके आओ। चल। हाँ भाई जो। और भाई कैसे चल रहे तेरा आजकल? मेरा तो सब बढ़िया चल रहा है, तू बता तेरा कैसा चल रहा है? नया घर वर ले लिया? हाँ यार, मेरी कुछ सेविंग्स थी और मैंने थोड़ा सा लोन लेके आखिरकार नया घर ले लिया। और वैसे भी मेरी शादी हो गई थी, अब बीवी को किराए के घर में रखना अच्छा नहीं लगता ना। अच्छा अच्छा भाई, मैं तुझसे यहाँ बात कर रहा हूँ, तू बार बार वहाँ क्या देखे जा रहा है? कुछ नहीं यार, वो थोड़ा प्यास लग रही थी ना, तो बस वही देख रहा था कि पानी कब तक आएगा। अच्छा हाँ, अरे यार मैं बातों बातों में भूल गया, रुक एक मिनट। निहारिका, निहारिका। अरे आ रही हूँ बाबा। ये लो, तुमने तो बहुत टाइम लगा दिया। बात करके आता हूँ थोड़ी देर में। हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल यार। ठीक है, तू जब तक यहीं बैठ। हाँ सर। अच्छा हुआ आकाश चला गया, ये अच्छा मौका है, भाभी से बात कर। जब तक वो आएगा तब तक भाभी को पता ही नहीं। आकाश, ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, काम कर। तुम्हें पता है ना तुम्हारा दोस्त आया हुआ है। भाभी मैं तो बस अपने दिल की बात बता रहा था। ये तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं भाभी, मैं तो बस अपने दिल की बात बताने आया हूँ। तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम मेरे पति के दोस्त हो और तुम कैसी गंदी बातें कर रहे हो? दोस्त हो तो क्या हुआ, और वैसे भी मैंने जब से आपको देखा है ना, तब से मैं आपके प्यार में पागल हो गया। और तुम्हें पता है अगर उन्हें पता चलेगा तो वो क्या करेंगे तुम्हारे साथ? अरे भाभी, पता तो तब चलेगा ना जब कोई बताएगा। पता चलेगा, मैं अभी बताती हूँ उन्हें। आकाश, ये क्या कर रहा था तू मेरी वाइफ के साथ? आकाश, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तू सोच रहा है। मैं गलत समझ रहा हूँ? तू ना बिल्कुल चुप हो जा, मुझे सब कुछ सच पता चल चुका है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था तू क्या कर रहा था मेरी बीवी के साथ। मुझे तो यकीन नहीं होता कि तू मेरा वही दोस्त है जो बचपन से मेरे साथ था, मैं तुझ पे कितना भरोसा करता था, लेकिन तूने आज मेरा सारा भरोसा तोड़ दिया। अभी तू एक बार शर्म तो कर लेता, वो तेरी भाभी लगती है, और भाभी ना माँ समान होती है, और तू अपनी माँ के साथ ही ये सब करने चला था। मुझे तो घिन आती है तुझसे और तेरी दोस्ती से। अरे अगर ऐसी दोस्ती हो ना तो इससे बेहतर है कि दोस्ती ना हो कभी किसी से। तूने ना आज ये सब करके सिर्फ मेरा भरोसा नहीं तोड़ा, तूने हर एक उस दोस्त का भरोसा तोड़ा है जो अपने दोस्तों पे कितना यकीन करते हैं, विश्वास करते हैं उन पे। तू ना दोस्ती के नाम पे कलंक है कलंक,
और इससे पहले कि मैं पुलिस को बुला के तुझे धक्के देके इस घर से निकलवा के जेल में डलवा दूं, तू चुपचाप यहां से चले जा। यार एक बार मेरी बात तो सुन। बस अब और कुछ सुनने समझने के लिए रह नहीं गया है। और तू शुक्र मना अपना कि मैं तुझे जेल में नहीं डलवा रहा, क्योंकि तू मेरा दोस्त था, अब है नहीं तू मेरा दोस्त। चुपचाप मेरे घर से निकल जा, पर आइंदा ना मुझे अपनी ये शक्ल दिखाने की जरूरत नहीं है। निकल जा मेरे घर से। निहारिका तुम ठीक हो ना? आकाश अरे तुम घबराओ मत, सब कुछ ठीक है। और मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे साथ आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम बस अपना ख्याल रखो।